साथियों नमस्कार, आरआरबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों की 11वीं कड़ी के अंदर आज हम बरोर गंगानगर और भीनमाल जालोर की सभ्यताओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बरोर का संबंध वर्तमान गंगानगर जिले से है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें इसी जिले के अंदर पड़ती हैं। अब हम इस सभ्यता के बारे में विस्तार से प्रकाश डालने जा रहे हैं। इस सभ्यता को प्राक प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा काल में बांटा जा सकता है, यानी ये दो भागों के अंदर अगर बांटना चाहे तो बांट सकते हैं। एक तो प्राक, प्राक का मतलब होता है पूर्व में, और एक विकसित यानी उसके बाद में। ये स्थल दो भागों के अंदर बटा हुआ है जिसका वर्णन इसके अंदर दे रखा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बरोर नामक जो सभ्यता स्थल है ये संपूर्ण भारत का एकमात्र सभ्यता स्थल है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं या मृद भांड मिले हैं वो उसके अंदर काली मिट्टी पाई गई, बाकी की जगह पर काली मिट्टी के कहीं नामो निशान तक नहीं मिले हैं। तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने खुलकर आती है कि यहाँ पर सैलखड़ी के 800 मनके मिले हैं। सैलखड़ी एक पत्थर है और उससे मोरे भी बनाए जाते थे, मनके भी बनाए जाते थे, और यहाँ पर ये मिले हैं। और ऐसे के ऐसे जो लाजवर्द एक पत्थर आता है जो कि सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर उसके अवशेष मिले हैं। और नेक्स्ट जो बात है, यहाँ की जो खुदाई के दौरान अगर हम उस नगर की बात करें तो उसमें जो नगर था वो बहुत ही सुनियोजित था। साथ ही साथ उसका जो विन्यास अर्थात उसका जो फैलाव, उसमें बने हुए घर, नालियाँ इत्यादि वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पाई गई, जैसे कि अपने हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो नगर नियोजन था लमसम सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी मकान, गलियाँ, रास्ते, नालियाँ इत्यादि व्यवस्थित रूप में देखने को मिली हैं, और ये उनके एक अवशेष मात्र मिले हैं। यहाँ के जो मकान बने थे उनके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग भी बहुतायत मात्रा के अंदर देखा गया है दोस्तों, तो ये भी बात अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, जो लोगों की जीविका का साधन थी, जो उनकी आय का एक स्रोत थी, वो उद्योग आधारित थी। यानी ये लोग खेती बाड़ी के अंदर कम इंटरेस्ट लेते थे लेकिन उद्योग धंधों के ऊपर ज्यादा आश्रित थे। और यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं वो विशिष्ट मृद भांड हैं जो उसकी एक परंपरा को विकसित करते हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं वो हड़प्पा कालीन जो मृद भांड या मृद पात्र मिले हैं बिल्कुल उनके बराबर समानता रखने वाले देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है, हम अगली सभ्यता स्थल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वो है भीनमाल। भीनमाल को कौन नहीं जानता, प्राचीन काल में भी इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। पौराणिक समय के अंदर तो यह एक राजधानी के रूप में भी विकसित नगर रहा था, और भीनमाल का संबंध वर्तमान जालोर जिले से है। इसमें एक बात एक्स्ट्रा और कि ये कवि माघ की जन्मभूमि है, ब्रह्मगुप्त की जन्मभूमि है, और इसको प्राचीन समय में भीनमाल के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन के समय में तो यहाँ पर हैंसांग भी एक विदेशी यात्री था जो आकर के गया है। अब जो भीनमाल की जो सभ्यता है इसकी जो खुदाई का कार्य है वो सन 1953-54 के अंदर आरसी अग्रवाल के द्वारा करवाया गया। तो आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रतन चंद अग्रवाल। अग्रवाल साहब ने भी राजस्थान के अंदर बहुत से सभ्यता स्थलों की खुदाई का कार्य अपने निर्देशन में कराया, तो अपने आप में बहुत ही चर्चित चेहरे थे। नेक्स्ट बिंदु है भीनमाल के अंदर जो खुदाई का जो कार्य हुआ तो वहां पर जो प्राप्त वस्तुएं हुई है उनमें से एक महत्वपूर्ण थी शक सत्रपों के सिक्के। शक सत्रप यानी शकों का शासन यहाँ पर रहा होगा,
और उनके समय में जो सिक्के प्रचलित थे वो इस स्थान की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगला जो बिंदु है, यहाँ के मृद पात्रों पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ भाई, ऐसे के ऐसे पात्र विदेशों के अंदर भी देखने को मिले हैं, तो उनका प्रभाव पूरी तरह से परिलक्षित होता दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से यूनानी दुहत्ती सुरही भी मिली है। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा के अंदर कई बार पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि दुहत्ती, यूनानी सुरही जैसी जैसा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए भीनमाल जालोर। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।